हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू आर परफेक्टली फाइन एंड डूइंग योर स्टडीज एट योर होम। स्टूडेंट्स, दिस इज़ सौमित्री यादव, असिस्टेंट टीचर ऑफ लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल विच इज़ सिचुएटेड इन गोलाम बाजार गोरखपुर। स्टूडेंट्स, आई एम हियर विद अ न्यू ऑनलाइन वीडियो क्लास। Firstly, students, I will remind you once again that in the previous video lecture, we have discussed the question answer and some exercise of the poem Butterfly Laughter. Students, I hope you have done all the exercise of the Butterfly Laughter poem. जिन बच्चों ने Butterfly Laughter poem जो है लाइव क्लास अटेंड नहीं किया था और एक्सरसाइज वो नहीं कर पाए हैं, वो बच्चे प्रीवियस पीडीएफ और वीडियो लेक्चर देख के इस सारी एक्सरसाइज को वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके, एंड ऑल द प्रीवियस वीडियो लेक्चर, इफ़ यू हैव डन नॉट एनी सिंगल एक्सरसाइज इन योर बुक, अगर आपने कोई आपकी बुक की कोई भी एक एक्सरसाइज छूट गई है तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स आप देख लीजिए, क्योंकि सारे के सारे एक्सरसाइजेज उस पर अपलोड किए जा चुके हैं। ओके, और कोई अगर ऐसा क्वेश्चन रिमेन रह जाता है तो आप उस पर चेक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द पोएम बटरफ्लाई लाफ्टर एंड वी विल डिस्कस फर्स्टली वर्ड मीनिंग ऑफ द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज स्टार्टेड अस लाफिंग। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टार्टेड अस लाफिंग? द मीनिंग ऑफ स्टार्टेड अस लाफिंग इज मेड अस लाफ। ओके, द मीनिंग ऑफ स्टार्टेड अस लाफिंग इज मेड अस लाफ। नाउ द नेक्स्ट मीनिंग, टीनीएस्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीनीएस्ट? द मीनिंग ऑफ टीनीएस्ट इज स्मॉलेस्ट। नाउ द थर्ड मीनिंग, पर्च। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्च? पर्च मीन्स सिट। ओके, सो लेट्स रिवाइज द वर्ड मीनिंग। फर्स्टली स्टूडेंट्स, वाई राइटिंग सी डब्ल्यू और फेयर कॉपी, यू विल फर्स्टली मैंशन द सी डब्ल्यू इन योर सी डब्ल्यू कॉपी, एंड इफ़ यू आर राइटिंग द एच डब्ल्यू कॉपी, यू विल राइट द एच डब्ल्यू कॉपी। ओके, एच डब्ल्यू एंड डेट ऑफ टूडे। आफ्टर दैट वी विल मैंशन द पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम। आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट writing the word meaning. So first word is started us laughing, S-T-A-R-T-E-D, started us laughing, L-A-U-G-H-I-N-G, started us laughing. What is the meaning of it? The meaning of started us laughing is made us laugh. Okay, the meaning of started us laughing is made us laugh. Now the second meaning is teeniest. What is the meaning of teeniest? The meaning of teeniest is smallest. T-E-E-N-I-E-S-T, T-E-E-N-I-E-S-T, teeniest. The meaning of teeniest is smallest. Now the next meaning is perch. P-E-R-C-H, P-E-R-C-H. What is the meaning of perch? The meaning of perch is sit. Now, let's move to the question number B. Okay, students, we have discussed the question number A in the book. And also, we have discussed the remaining question, remaining exercises in the previous video lecture, which we had attended on Saturday. Okay, if you have not filled your book, you will watch the previous video class. After that, you can fill the book. So, what is in the question number B? Question number B is the question answer. So, question is, how do you think the poet feels about her grandmother? Give reason for your answer. How do you think? आप क्या सोचते हैं? कैसा सोचते हैं कि द पोएट फील्स अबाउट हर ग्रैंड मदर? आप ऐसा आपके अकॉर्डिंग जो है पोएट अपनी ग्रैंड मदर के बारे में कैसा फील करता है, करती है? हाउ डू यू थिंक द पोएट फील्स अबाउट हर ग्रैंड मदर? पोएट अपनी ग्रैंड मदर के बारे में कैसा फील करती है? यू हैव टू राइट द रीज़न फॉर योर आंसर।
अगर वो अच्छा फील करती है तो यू हैव टू राइट द आंसर, एंड अगर वो अच्छा फील नहीं करती है सो यू हैव टू राइट द रीज़न. सो योर आंसर इज़ द पोएट फील्स वेरी हैप्पी ऑन द जोक अबाउट द बटरफ्लाई ऑन द प्लेट्स बिकॉज दिस जोक ब्रिंग्स स्माइल ऑन देयर फेसेस. ओके स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर रीडिंग द पोएम वी अंडरस्टैंड दैट द चिल्ड्रेन मेड अ बैट, वो उन्होंने शर्त लगाई थी हु विल फिनिश पॉरिज फर्स्ट, कौन सबसे पहले जो है पॉरिज को फिनिश करेगा. एंड दे वर ईटिंग इन अ वेरी स्पीडली. ओके, बहुत तेज़ी से वो लोग पॉरिज इतना जल्दी जल्दी वो खा रहे थे. उन्हें ऐसा खाते देखकर ग्रैंड मदर चोक करती है कि तुम पॉरिज तो खा रहे हो, कि पॉरिज खाते समय तुम लोग बटरफ्लाई को ना खा जाना. द बटरफ्लाई विच वॉज पेंटेड इन ब्लू कलर ऑन द प्लेट. ओके, वो बटरफ्लाई जो प्लेट पे पेंटेड बनी हुई थी, उनकी ग्रैंड मदर उसे जोक करती है कि कहीं पॉरिज खाते खाते आप लोग बटरफ्लाई ना खा जाना. सो ऐसा सुनने के बाद बच्चे और ग्रैंड मदर दोनों ही हंसने लगते हैं. ओके, सो दिस जोक ब्रिंग्स स्माइल ऑन देयर फेस. ओके, सो दैट्स व्हाई द पोएट फील्स वेरी हैप्पी ऑन द जोक अबाउट द बटरफ्लाई ऑन द प्लेट्स. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन विच वी हैड डिस्कस इन टूडेज वीडियो लेक्चर. फर्स्टली लेट्स रिवाइज द क्वेश्चन एंड द वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग वॉज स्टार्टेड अस लाफिंग. तो फॉर वट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टार्टेड अस लाफिंग? द मीनिंग ऑफ स्टार्टेड अस लाफिंग इज मेड अस लाफ. एंड द मीनिंग ऑफ टीनेस्ट इज स्मॉलेस्ट. एंड द मीनिंग ऑफ पर्च इज सिट. एंड द क्वेश्चन वॉज हाउ डू यू थिंक द पोएट फील्स अबाउट हर ग्रैंड मदर, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. सो स्टूडेंट्स, हाउ डू यू थिंक द पोएट फील्स अबाउट हर ग्रैंड मदर? द पोएट फील्स वेरी हैप्पी ऑन द जोक अबाउट द बटरफ्लाई ऑन द प्लेट्स एंड यू हैव टू गिव द रीज़न. सो द रीज़न इज बिकॉज दिस जोक ब्रिंग स्माइल ऑन देयर faces. Okay, so that's it for today's friends. You will learn the butterfly laughter's word meaning and the question answer in at your home. You will also write the question in your fair copy. Okay, after that you will write butterfly laughter poem in your fair copy. Okay, when after writing the butterfly laughter poem you will draw a butterfly. Okay, you will draw a butterfly in your HW copy and you will color it by the blue color pencil. Okay, you can use the crayons, blue crayons you can use. Okay, after writing the poem you will draw a beautiful butterfly in your fair copy and you will color it with the blue crayon or the blue pencil color. Okay, after that you will read the chapter The Trick That Didn't Work. Students, you will have to read the chapter at your home and the chapter number is 3rd. And the name of the chapter is The Trick That Didn't Work. Okay, I have given some summary of this chapter in today's video lecture. This is a story about the lion and the jackal named Chalu and Golu. Okay, these are the name of jackal. Okay, and the jackals Chalu and Golu played a trick with the लायन. ओके, ये दोनों लायन से चलाकी करते हैं. ओके, एंड चालू वॉज मोर कनिंग देन गोलू. ओके, जो चालू है वो गोलू से ज़्यादा चलाक होता है. सो व्हाट इज़ इन दिस स्टोरी एंड विच ट्रिक गोलू एंड चालू प्लेड विद द लायन? ओके, हाउ इज इट द स्टोरी? वी विल रीड इट इन द next video lecture. Till then you will
write the poem in your fair copy and you will also draw the butterfly in your copy. So that's it for today's friends. You will read this chapter at your home. Goodbye everyone.